मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए मुरादाबाद में कहा है कि अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है और इन लोगों की मानसिकता समाज को तोड़ने का काम कर रही है। और जो लोग सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं उनकी मानसिकता कैसी हो सकती है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, एक वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यह तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बाने को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर ही लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले,